जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये अहम टेंडर है। अब देख लीजिए विस्तार से इसकी डिटेल भी। प्रकाशन तिथि 18 सितंबर और कार्य विवरण, जहां इस निविदा के अंतर्गत जयवंता पार्क, शकुंतला पार्क, 82/24 के पास पार्क, विवेकानंद पार्क, परमहंस पार्क, गोवर्धन पार्क, चाणक्य पार्क, वशिष्ठ पार्क, 60/44 के पास पार्क, अलकनंदा पार्क में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य है। वार्ड क्रमांक 11 में स्थित है। सांगनेर जोन के 102 एवं निर्माण कार्य, तो देख सकते हैं आप ये कि अलग अलग ये पार्क है जिनमें रंगाई पुताई का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत आपको करना होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 31 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 30 सितंबर। तो 30 सितंबर, इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं, महज 2 दिन का वक्त है, लेकिन ग्रेटर नगर निगम का ये अहम टेंडर है जिसकी प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ही एक और अहम टेंडर है, उसको भी विस्तार से देख लेते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर की है 20 सितंबर। प्रकाशन तिथि 20 सितंबर और कार्य विवरण देखिए, जहां 2024-25 मानसरोवर जोन क्षेत्र में फेज वायर के साथ नई एलईडी लाइट लगाने का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इसके 59,44,060 रुपए है। वही अंतिम तिथि इस निविदा की है 30 सितंबर, तो यानी इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं, महज वही 3 दिन का वक्त है। सब एक साथ, प्रकाशन तिथि तो 20 सितंबर रही है, लेकिन अंतिम तिथि यहाँ पर 30 सितंबर है, यानी कि महज 10 दिन के लिए ये टेंडर ओपन है, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अगला टेंडर है क्या कहता है। प्रकाशन तिथि देखिए इसके भी 20 सितंबर है। कार्य विवरण, जहाँ इसके अंतर्गत नारायण सिंह सर्किल और टोंक पुलिया टोंक रोड जयपुर 2024-25 पर स्थापित एस्केलेटर की एक मुश्त मरम्मत, रख रखाव और संशोधन प्रदान करना है। ये कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 90,02,800 रुपए और अंतिम तिथि इसकी है 4 अक्टूबर। तो इस निविदा के लिए तो आपके पास वक्त है, 4 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है, लेकिन बेहद अहम कार्य विवरण आप देख सकते हैं। 20 सितंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही, लेकिन अंतिम तिथि के लिहाज से आपके पास भी वक्त है, आराम से इसमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण टेंडर है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर के बाद। देखिए ग्रेटर का एक और अहम टेंडर है, क्योंकि लगातार हम एक एक विभाग के टेंडर की बात कर रहे हैं, और जयपुर नगर निगम ग्रेटर का एक और अहम टेंडर 20 सितंबर इसकी भी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, जयपुर शहर से बेघर असहाय पशुओं को पकड़ने, अनाधिकृत रूप से चलाई जा रही अवैध पशु डेयरियों को हटाने और पकड़े गए पशुओं को गौ पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया गौशाला में निरुद्ध करवाने का जो कार्य है वो इस निविदा के अंतर्गत होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,80,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर यानी कि 5 दिन का वक्त आपके पास है, आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम ये टेंडर भी है, जहां पर बेघर असहाय पशुओं को पकड़ने का इसमें कार्य रहेगा। विस्तार से पूरी डिटेल आपके पास दी हुई है। लागत भी 2,80,00,000 है इसकी अनुमानित लागत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टेंडर क्या कहता है। देखिए प्रकाशन तिथि तो इसकी भी ग्रेटर से ही है, 20 सितंबर है। कार्य विवरण, 2024-25 मुरलीपुरा जोन क्षेत्र में फेज वायर के साथ नई एलईडी लाइट लगाने का कार्य है, जो कि इस टेंडर के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी 1,74,867 रुपए है और अंतिम तिथि इसकी है 30 सितंबर। 30 सितंबर यानी 2 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन विस्तार से आप ये डिटेल देख सकते हैं कि ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का टेंडर है क्या कह रहा है, कार्य विवरण क्या है, अनुमानित लागत क्या है और खास हो जाती अंतिम तिथि, और इसके बाद आप विचार कर सकते हैं कि आपके लिए ये टेंडर महत्वपूर्ण है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टेंडर है ग्रेटर से ही, प्रकाशन तिथि जहां 20 सितंबर और कार्य विवरण इसके अंतर्गत 2024-25 सांगनेर अंचल में नई एलईडी लाइट लगाने का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत देखिए इसकी 77,70,642 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की भी 30 सितंबर, यानी 2-4 दिन का वक्त और आपके पास है जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अहम हो जाता है कि अगर आपकी रुचि है और आपके पास वक्त 1 दिन का भी है तो भी आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जरूरी ये हो जाता है कि आप उसकी पूरी डिटेल को समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टेंडर देखते हैं। ग्रेटर से एक और अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 20 सितंबर है और कार्य विवरण समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत 2024-25 जगतपुरा जोन में नई एलईडी लाइट लगाने का कार्य है, करना होगा, और अनुमानित लागत जहां इसकी 62,80,200 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 30 सितंबर।